गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यूजुअल वी विल स्टडी योर स्टूडेंट एडवाइजर बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 6। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड 2 seconds प्लीज वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.3। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.3 एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस इज मोर साइकोलॉजिकल देन इट विल सॉल्व बाय अस न्यूमेरिकली। सो इट वी कैन सी दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज रिटन इन माई नोटबुक, so I will not time pass your time. So practice exercise 2.3's first question is written in my notebook. It is written by me before the video starts. So third and fourth I didn't written, first write them, then we will start the question and I will explain you how will it possible to solve this. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे और समझेंगे। देखो इस क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला है, चूज द फॉलोइंग पैटर्न केयरफुली एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, मेरे को बोला है कि ये जो पैटर्न अपन को दिया हुआ है इसको अपन को ऑब्जर्व करना है, इसको देखना है और आगे की 3 टर्म्स इसको अगर अपन आगे बढ़ाए सीरीज को, जो आगे की 3 टर्म्स क्या होगी वो अपन को देखना है। तो आगे की 3 टर्म्स देखे तो 1, 2, 4, 8, 16 इसको मैं कैसे देख सकती हूँ। देखो ये क्या है 1 into 1, ठीक है, ये क्या है 2 into 1, ये क्या है 2 into 2, ये क्या है 2 into 3, देखना इसलिए मैंने यहाँ जगह छोड़ी है। ये क्या है 1 into 1, ये क्या है 2, ये क्या है 1, क्या कर दिया मैंने, क्या बोल रही थी मैं, सॉरी पावर का है। देखो इसमें सब अच्छे ध्यान से देखना, ये तो है 2 to the power 0, ये है 2 to the power 1, ये है 2 to the power 2, ये है, सॉरी फिर इधर घुसा दिया इसको, ये है 2 to the power 3, ये है 2 to the power 4, ये तो 2 to the power 0 है। हमेशा याद रखना अगर किसी भी डिजिट की पावर 0 होगी तो हमेशा 1 होगा, चाहे 2 की पावर हो चाहे 100 की पावर हो, अगर ऊपर 0 है पावर में 0 है तो आंसर विल बी 1। ठीक है, दैट्स द यूनिवर्सल ट्रूथ दैट द 0 power ऑफ एनी डिजिट इज 1। तो 2 to the power 0 इज 1, 2 to the power 1 इज 2, 2 to the power 2 इज 2 into 2 4, 2 to the power 3 इज 2 into 2 into 2 इज 8, 2 to the power 4 इज 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 4 into 4 16। नो इनमें क्या आएगा 0, 1, 2, 3, 4 और 2 तो सेम है, तो 2 to the power 5 आएगा, 2 to the power 6 आएगा, 2 to the power 7 आएगा, निकाल लो। या फिर कैसे कर सकते हैं अपन, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128। या तो देखो दो तरीके हो सकते हैं इसको ऑब्जर्व करने के, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने के, देर आर 2 मेथड्स दैट वी कैन ऑब्जर्व द क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज व्हेन वी सी द पैटर्न इट इज 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 4, 5, 6, 7, ओके। एंड द सेकेंड मेथड इज वेरी सिंपल, क्वाइट सिंपल, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 2 जा 64, 64 2 जा 128। ठीक है, 1 2 जा 2 मतलब जो भी डिजिट है उसको 2 से इंटू करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 1 से 2 को किया 2 आया, 2 से 2 को किया 4 आया, 4 से 2 को किया 8 आया, 8 से 2 को किया 16 आया, 16 से 2 को किया 32 आया, 2 से इंटू करे जा रहे हैं, 2 से इंटू करे जा रहे हैं, दैट्स द पैटर्न वी कैन सी इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज 3, 6, 9, 12, 15, वॉट इज दिस, इट इज द टेबल ऑफ 3, नथिंग एल्स, टेबल ऑफ 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, खत्म। देखो पैटर्न ऑब्जर्व करना है, ये क्या है, ये टेबल है 3 की, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। नेक्स्ट 1 3 5 7 9, व्हाट कैन यू सी टू दिस, क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, 1 plus 2 3, 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 2 9, 9 plus 2 11, 11 plus 2 13, 13 plus 2 15। आई बात समझ में,
आई बात समझ में? क्या कर रहे हैं, टू ऐड करे जा रहे हैं, 1+2 3, 3+2 5, 5+2 7, 7+2 9, 9+2 11, 11+2 13, 13+2 15, ठीक है? ये काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, टू ऐड करने का काम हो रहा है। नेक्स्ट क्या, 2, 6, 10, 14, 18, इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे, इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे, देखो सोचो ध्यान से कि इसमें अपन क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें अपन ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2 के ऑड मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, 2 के ऑड मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। ऑड मल्टीपल्स इज नॉट दैट कि जो डिजिट्स ऑड है उनको लिखा हुआ, नो। ऑड मल्टीपल्स आर व्हाट, ऑड मल्टीपल्स आर 1, 3, 5, मतलब 2 1s, 2 3s, 2 5s, 2 7s, 2 9s। अगर कोई ऑड मल्टीपल्स की बात करता है तो दैट्स नॉट कि मैं लिख दूं भाई, मेरे को कोई पूछे भाई ऑड 2 के ऑड मल्टीपल, 2 के ऑड मल्टीपल आपको होते ही नहीं है। ऑड मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब तो इवन है, 2 का अगर जिसमें डिवाइड जा रहा है वो तो इवन है, और 2 की टेबल में तो सारे इवन ही आएंगे, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, सारे इवन ही आएंगे। दैट्स नॉट द मैटर, इज दैट कि अपन देखें कि ऑड मल्टीपल्स मतलब फर्स्ट प्लेस पे कौन है, थर्ड प्लेस पे कौन है, फिफ्थ प्लेस पे कौन है, ऑड प्लेसेस, वी विल कंसीडर ऑड प्लेसेस। तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 7s are 14, 2 9s are 18, फिर 2 9s are 18, 2 11s are 22, 2 13s are 26, 2 50s are 30। ओके, आई बात समझ में? इसमें क्या था, इसमें था 1, 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, जो आता जा रहा था उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे थे। 1 2 4, 4 8, 8 16, 16 32, 32 6 32 64, 64 128। इसमें क्या था, 3 की टेबल थी, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 12s are 12, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24। इसमें क्या था, 2 करू का 1+2 3, 3+2 5, 5+2 7, 7+2 9, 9+2 11, 11+2 13, 13+2 15। इसमें क्या था, ऑड वाला, 2 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 7s are 14, 2 9s are 18, 2 11s are 22, 2 30s are 26, 2 50s are 30। दैट्स कॉल्ड दी पैटर्न, पैटर्न इसी को कहते हैं, पैटर्न ऑब्जर्व करना। अब सीधा बुक में देख लो, अब सारे ऐसे क्वेश्चन है सीधा बुक में दिख जाएंगे, सबको ये क्वेश्चन कॉपी में करने हैं, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.3 के जितने भी क्वेश्चन है सबको कॉपी में करने हैं। पर द मैटर इज दैट कि मैं नहीं कर रही हूं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगी फिर आंसर लिखूंगी फिर बताऊंगी, इससे अच्छा आप कर लेना, मैं सीधा बता रही हूं। देखो इसमें क्या है, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न एंड फिल द नेक्स्ट पैटर्न। ऐसा नहीं है मैं नहीं करी तो आप भी नहीं करोगे, सबको ये चार क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, आज कंप्लीट हो जाएंगे ये मेरी तरफ से। स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न एंड फिल द नेक्स्ट पैटर्न, ठीक है, इसको स्टडी करके मेरे को नेक्स्ट बनना है। तो क्या स्टडी करूं मैं, इसमें एक बिंदु था, इसमें एक पॉइंट था, इसमें 2 पॉइंट हो गए, इसमें 3 पॉइंट हो गए, इसमें कितने पॉइंट होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से बनता है ऐसा चित्र, ठीक है, चित्र बना रहे थे, 1 से तो कुछ बन नहीं रहा था, 2 से लाइन बन गई, 3 से ट्रायंगल बन गया, 4 से स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगल बन गया, जो भी स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी नाम दो इसको, अगर साइड इक्वल है इसकी तो स्क्वायर है, नहीं है तो रेक्टेंगल है, अपना वो मतलब अपनी चिंता की बात नहीं, अपन को तो ऐसा डब्बा बना देना है कुल मिला के, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है, पहले क्वेश्चन लिख लेना, फिर 4 डब्बे बनाना, बड़े बड़े, ठीक है, थोड़े मतलब ज्यादा भी बड़े नहीं, इतने बड़े बनाना, ये तो बहुत बेकार डब्बा बनाया, देखो डब्बा बना के बताती हूँ, बच्चे सोचेंगे मैम को डब्बा बनाना नहीं आता, किसी मैम है, ठीक है, कितने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े तो बनाने ही हैं, इतने बड़े बड़े 4 डब्बे बनाने हैं, एक में पॉइंट लगाना है, फिर 2 पॉइंट लगा के लाइन बनानी है, फिर 3 पॉइंट लगा के ट्रायंगल बनाना है, 4 पॉइंट लगा के स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी है ये वो बनाना है। दैट्स नॉट अवर कंसर्न दैट व्हाट इज दिस स्क्वायर और रेक्टेंगल, इट इज आस्किंग क्वेश्चन दैट व्हाट इज द डायग्राम वी कैन मेक बाय दिस 4 पॉइंट्स। स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न्स इन ईच केस एंड राइट नेक्स्ट टू स्टेप्स। इसमें क्या करना है, फॉलोइंग पैटर्न को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है ये पैटर्न क्या है और नेक्स्ट टू स्टेप्स लिखने हैं। अब ये कॉपी में कर लेते हैं अपन, इतने आलसी भी नहीं बनेंगे अपन, कॉपी में करेंगे इसको। तीसरा है, तीसरे का पहला क्या है,
1 × 8 + 1 = 9, 12 × 8 + 2 = 9, 8, 1, 2, 3 × 8 + 3 = 9, 8, 7. ठीक है, अब इसमें मेरे को 2 आगे वाले लिखने हैं. इसमें मेरे को क्या करना है, आगे वाले 2 लिखने हैं. आगे वाले मतलब ये 3 स्टेप तो इसने लिखे हैं, आगे वाले 2 स्टेप मेरे को लिखने हैं. तो मैं क्या देख रही हूँ, ये 1 है, ये 1, 2 है, 1, 2, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4. और ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, तो यहाँ भी 8 ही आएगा. ये तीनों सेम है तो यहाँ भी सेम ही आएगा. ये जो सेम चल रहा है वो सेम रहेगा, जो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज होगा, जो डिक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज होगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई होगा, जो डिवाइड हो रहा है वो डिवाइड होगा. दैट्स द पैटर्न, दैट्स कॉल्ड पैटर्न. दैट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, व्हिच इज कांस्टेंट विल बी कांस्टेंट, व्हिच इज एडिंग विल बी एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग विल बी सब्ट्रैक्टिंग. ओके, वी विल सी द पैटर्न एंड देन डू द क्वेश्चन. इफ यू कैन नॉट understand the pattern, that what pattern it is, we are not able to find the answer of the question. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Counting सबको आती है, we all know the counting. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 8 is same, 8 same है, 8 same है तो same रहेगा. 1, 2, 3, 4 आ जाएगा. और ये क्या है, ये 9 था या 9, 8 था या 9, 8, 7 था, या 9, 8, 7, 6 नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा. Next क्या है, next क्या है, नेक्स्ट है 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 × 8. वही कांस्टेंट, 8 चला आ रहा है, मतलब 8 मतलब चला आ रहा है कांस्टेंटली. 8 को अपन चेंज नहीं करेंगे, जो चला आ रहा है उसको चेंज नहीं करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5 = 9, 8, 7, 6, 5. 9, 9, 8, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 6, 9, 8, 7, 6, 5. ठीक है, पैटर्न क्या था कि ये इसमें एक एक इंक्रीज हुए जा रहा था. जैसे 1 है, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. एक एक डिजिट इंक्रीज होती जा रही थी और ये कांस्टेंट था, 8 कांस्टेंट था. इसमें प्लस 1 होए जा रहा था, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 1 होए जा रहा था. इसमें इसमें क्या, एक डिजिट तो इंक्रीज हो रही थी पर पीछे वाली डिजिट आ रही थी, 9, 9, 8, 9, 8, 7, 9, 8, 6, 9, 8, 5. सॉरी क्या बोल दिया, 9, 9, 8, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 6, 9, 8, 7, 6, 5. इसमें क्या थी, आगे वाली डिजिट आई जा रही थी, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, तो वी विल सी द पैटर्न, दिस इज कॉल्ड पैटर्न. सेकंड पैटर्न क्या है, सेकंड में भी कुछ दिया हुआ है अपन को, 1, 1, 2, 4, 3, 9. और दो अपन को लिखने हैं ऐसे डब्बे में, ऐसे दो डब्बे में अपन को लिखने हैं. तो देखो अपन क्या लिख सकते हैं, 1, 1, 2, 4, 3, 9 क्या है ये, ये क्या है, इसको अपन, ये जो फर्स्ट डिजिट मेरे को दिख रही है, 1, 1 जा 1, 2, 2 जा 4, 3, 3 जा 9, 4, 4 जा 16, 5, 5 जा 25. अंडरस्टूड समथिंग, दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, हाँ हुआ, क्या हुआ, 1, 1 जा 1 लिखा हुआ था, 2, 2 जा 4 लिखा हुआ था, 3, 3 जा 9 लिखा हुआ था, यहां तक तो लिखा हुआ था. फिर 1, 2, 3 तो गिनती चल रही थी, काउंटिंग चल रही थी, 1, 2, 3, 4, 5 ये तो काउंटिंग पूरी कर दी. फर्स्ट में क्या चल रहा था, जो फर्स्ट डिजिट थी, जो ब्रैकेट लगा हुआ है उसमें मुझे दो डिजिट दिख रही है. और फर्स्ट डिजिट में क्या दिख रहा है, फर्स्ट डिजिट में ये दिख रहा है कि काउंटिंग चले जा रही है, 1, 2, 3, 4, 5. और सेकेंड डिजिट में क्या दिख रहा है कि उनका स्क्वायर चला जा रहा है, 1 × 1, 1, 2 × 2, 4, 3 × 3, 9, 4 × 4, 16, 5 × 5, 25. मतलब बुक में कराएंगे का मतलब मैं बुक में करूंगी, आप कॉपी में करेंगे. ठीक है, दैट्स इट. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स. इनको ऑब्जर्व करके फिल इन द ब्लैंक्स करना है. अब इसको एक बात बताऊं आपको, इसको ऑब्जर्व करने की जरूरत ही नहीं है. दिख रहा है 150, 200, 250, मतलब 50-50 का डिफरेंस आ रहा है, 50-58 होते जा रहे हैं. 150 में 58 किया 200 आ गया, 200 में 58 किया 250 आ गया, 250 में 58 करो 300 आ जाएगा, और 300 में 58 करो 350 आ जाएगा. इसका तो कुछ मतलब ही नहीं रहा, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं रहा. फिर भी ये क्या हो रहा था, 10, 20, 30, 40, 50, 20, 30, 40, 50, 60, 30, 40, 50, 10, 10 इंक्रीज हो रहे थे, 10, 10 इंक्रीज हो रहे थे. अब मेरे को पता है ये 150 हो रहा है, इन सब में मैंने 10 इंक्रीज कर दिया, इन सब में मैंने 10 प्लस कर दिया, तो टोटल क्या प्लस हुआ,
टोटल 50 प्लस हुआ, इन सब में मैंने 10 प्लस किया तो टोटल 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 50 इंक्रीज हो गया, तो 50 प्लस हो गया। वापस वही काम किया, वापस वही काम किया, तो ये आ गया। तो ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में आज करनी है, ये एक्सरसाइज अपन को अपनी नोटबुक में करनी है, ये पूरी करा दी है। अब बच्चे बताएंगे कि अब ब्रेन टीजर क्वेश्चंस चालू करने हैं आज या नहीं करने हैं, करने हैं या नहीं करने हैं। चलो एक दो कर ही लेते हैं, सब बच्चों का मन है भाई, अभी तो 3 मिनट ही हुए हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। लगाएं हेडिंग, पहले सबसे पहले है ना सुंदर सी हेडिंग लगानी चाहिए, क्योंकि सुंदर सी हेडिंग लगाने से अपन को ऐसा पता लगता है कि अपने ब्रेन में एक एक्टिविटी होती है भाई, अब अपन बढ़िया काम करेंगे। और कोई गंदी सी लगाएगा ना तो उसका ब्रेन गंदा काम करेगा। ब्रेन टीजर क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, ए फार्मर प्लक्स 86 केजी ऑफ एप्पल्स फ्रॉम हिज ऑर्का पर डे। एक किसान है 86 केजी सेब तोड़ता है अपने खेत में से, ऑर्कड खेत होता है, ठीक है। एक किसान अपने खेत में से 86 केजी एप्पल रोज तोड़ता है। ही कीप्स, वह रखता है, वो क्या रखता है, 8 केजी ऑफ एप्पल्स फॉर हिमसेल्फ। कितने केजी तोड़ता है, 86 केजी तोड़ता है, जिसमें से 8 केजी तो अपने खुद के लिए, हिमसेल्फ खुद के लिए रख लेता है, एंड सेल्स दी रेस्ट, और बाकी बेच देता है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स ही सेल इन द मंथ ऑफ जून। वो क्वांटिटी अपन को फाइंड करनी है जो उसने जून के मंथ में बेची। तो पहले तो अपन को फाइंड क्या करनी है, उसने बेची कितनी, तो अपन को जून के मंथ में फाइंड करनी है, तो अपन को पर डे फाइंड करनी पड़ेगी पहले, फिर देखेंगे। तो पर डे फार्मर सेल्स एप्पल्स इक्वल टू, पर डे फार्मर सेल्स इक्वल, मतलब खुद के लिए 86 केजी तोड़ता है और 8 केजी खुद के लिए रख लेता है, तो बेचता कितना है, 86 माइनस 8 केजी। आई सब बच्चों को बात समझ में क्या, कि अगर पर डे फार्मर एप्पल सेल करता है 86 केजी तो वो तोड़ता है अपने खेत से, और 8 केजी खुद के लिए रख लेता है, तो 86 माइनस 8 केजी वो सेल कर देता है। नेक्स्ट क्या है कि जून के मंथ में उसने कितनी बेची, ही सेल्स एप्पल्स इन मंथ ऑफ जून इक्वल टू, कितनी बेची जून के महीने में, कितने दिन होते हैं, ट्रिक पता है, हैंड वाली ट्रिक पता है सबको। देखो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये मतलब गिनते रहते हैं अपन, और ये जो उभरा हुआ पार्ट है ना अपने हाँ हैंड का, वो तो 31 डेज होते हैं, और नीचे वाले में 30 डेज होते हैं, खाली फरवरी एक्सेप्शन होता है, फरवरी एक्सेप्शन होते हैं, बाकी यही होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। जुलाई और अगस्त में कंसिक्वेंटली 31 होते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अपन को जून में निकालना है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून, जून में 31 होते हैं, जून में क्या होते हैं 31 होते हैं, तो ही सेल्स एप्पल्स इन द मंथ ऑफ जून, तो 31 डेज, वन डे में इतने सेल करता है, तो 31 डेज में 31 × 86 माइनस 8 के जी। अब 31 × 86 माइनस 8 करो, कितने बचे, 78 के जी। अब इसमें अपन प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये अपने को चैप्टर दिया हुआ है इसलिए है, ताकि अपन क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी लगा सके। तो इसमें मैं लगाऊंगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये मैं यूज करूंगी इसमें। तो क्या हो जाएगा, 78 तो जैसा ही रख लूंगी, 78 को पहले ले लेती हूँ मैं, इंटू 31 को क्या लिख सकती हूँ, 30 + 1, तो ये a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, 78 × 30 क्या हो जाएगा, 0, 24,
23040, देखो यही होगा शायद, 8 3 24, 7 3 21 प्लस 6 है, और ये क्या हो जाएगा 71 1 78, तो 8 7 4 11 4 2 2 4 1 8 की थी, दिस इज द आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया ये, तो ये की करेंगे इसमें नेम द प्रॉपर्टी, अरे 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 ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे इतना इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे भाई, ये करेंगे, ये क्या है 216 प्लस 0 216, एक काम करना, चलो कुछ तो बच्चों को भी करना चाहिए इसमें है ना, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना इसमें आपको खुद कोशिश करनी है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, आज यहाँ तक ही किया मान लो, ठीक है, अगर खुद कोशिश करनी है 6 लिखने की, अगर नहीं हुआ तो मैं करा दूंगी। जैसे इसमें 216 प्लस 0 216 है, तो 0 क्या होती है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है, इसलिए सेम आ गया, तो इसमें क्या लगी अपनी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी लगी, इसमें देखो वो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए वाली लगी, अब सबको देख देख के करनी है, सब मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, और अब सबको देख देख के करनी है, तो आज अपन ने क्या किया, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.3 की और ब्रेंट इज अ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड क्वेश्चन आपको करना ही है, ऐसा नहीं मैंने तो किया ही नहीं इसलिए मेरे से हुआ नहीं, वो लॉजिक नहीं चलेगा भाई यहाँ पर, करना है सबको, ठीक है।